ये दुनिया बहुत सी अनोखी, अविश्वसनीय और अजीब चीजों का भंडार है। जहाँ एक और मनुष्य को लगता है कि उसने जो देखा या जाना है यह दुनिया वहीं तक सीमित है, वहीं कई बार हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जिन पर हम चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाते। भूत प्रेतों से संबंधित किस्से भी कुछ ऐसे रहस्यों में से ही हैं, जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। शायद इसलिए क्योंकि यदि विश्वास हो जाए तो मन में एक डर बैठ जाता है। इसलिए हम में से अधिकांश लोग इस प्रकार की बातों को अनदेखा या अनसुना कर देते हैं। वहीं बहुत से लोग अंधविश्वास के कारण एक मनोरोगी को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि भूत प्रेतों की एक अलग ही दुनिया है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। इस्लाम धर्म में भी ऐसी शक्तियों को जिन्न का नाम दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये शक्तियाँ क्या हैं, क्यों ये हम सबसे बिल्कुल अलग हैं। साथ ही हम जानेंगे कि भूत प्रेतों और जिन्नों में क्या अंतर है। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक जानकारी है, इसलिए पूरे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। और द डिवाइन टेल्स के वीडियोस अंग्रेजी में देखने के लिए द डिवाइन टेल्स इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दशकों पहले विज्ञान ने भी इस प्रकार की आत्माओं पर अध्ययन करके इनके अस्तित्व को नकार दिया था, परंतु अब विज्ञान भी इसे एक दिव्य ऊर्जा मानता है। यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए या हमारे शास्त्रों में आत्माओं के विषय में जो उल्लेख है उस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में भूत प्रेत मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर को अभी हम धारण किए हुए हैं यह स्थूल शरीर है, जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर व निर्वाण शरीर होते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नया जन्म तब तक मिलता रहता है जब तक उसे मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता। यह शरीर स्थूल शरीर से निकलने के बाद जब तक दूसरा शरीर नहीं धारण कर लेता तब तक भटकता रहता है। कुछ आत्मा को नई देह जल्दी प्राप्त हो जाती है और कुछ को लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। जब मनुष्य ऐसी आत्माओं की उपस्थिति महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास भूत प्रेत हैं। इस प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका सूक्ष्म शरीर एक असाधारण स्थिति में होता है तो इस स्थिति को ही भूत प्रेत कहा जाता है। इसलिए जब ऐसा सुना जाता है कि किसी व्यक्ति पर देवी या माता आ गई तो यह स्थिति भी समान ही है। सामान्य तौर पर इन्हें नकारात्मक शक्तियां माना जाता है जो बहुत ही चंचल व बेचैन होती हैं। परंपरागत तौर पर यह माना गया है कि ये वे आत्माएं हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या किसी हिंसा के कारण, दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई हो या फिर किसी ने आत्महत्या की हो और इसी कारण ये आत्माएं अतृप्त होती हैं। यद्यपि ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस प्रकार की आत्माएं सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप करें या मनुष्यों को डराने का प्रयास करें। इस प्रकार की गतिविधियां बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं या मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से ना तो डरने की आवश्यकता है और ना ही इनके अस्तित्व को नकारने की। इस प्रकार की आत्माओं में न केवल भारत में अपितु लगभग सभी देशों में विश्वास किया जाता है। अमेरिका में हेलोवीन मनाने की प्रथा है जिसमें आत्माओं से संवाद किया जाता है। ताइवान में लोग भूत दिखने का दावा करते हैं। वहीं कोरिया, चीन, वियतनाम और जापान देशों में भूतों का महीना मनाया जाता है। इस महीने में एक दिन घोस्ट डे यानी प्रेत दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन आत्माएं पृथ्वी पर मुक्त रूप से विचरण करती हैं। इस्लाम धर्म में इस प्रकार की आत्माओं को जिन्न का नाम दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि भूत प्रेत और जिन्न समान है या इनमें कोई अंतर है। इस्लाम के अनुसार मरने के बाद जो रूहें इस दुनिया में भटकती रहती हैं उन्हें जिन्न या जिन्नात कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश जिन्न इंसानों को हानि पहुंचाते हैं। इंसानों को हानि न पहुंचाने वाले जिन्न बहुत कम होते हैं। ये मानव शरीर को अपने वश में करने की भी ताकत रखते हैं। बहुत से जिन्नों में उड़ने और गायब होने की भी शक्ति होती है। ये धार्मिक स्थलों या पुस्तकों से दूर रहते हैं। ये अधिकतर सुनसान स्थानों को ही अपने रहने की जगह बनाते हैं। इस्लाम में जिन्नों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 5 श्रेणियाँ। पहला है मरीद। ये जिन्न सबसे खतरनाक और ताकतवर होते हैं। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी श्रेणी के जिन्न को दिखाया गया है। ये समुद्र या खुले पानी में पाए जाते हैं और हवा में उड़ने की भी ताकत रखते हैं। दूसरा है इफ्रित।
इफ्रित जिन विचारों को समझने और इंसानों को अपना दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। ये महिला और पुरुष के समान जोड़ों में रहते हैं। तीसरा है सिला। सिला जिन केवल एक महिला ही हो सकती है। महिला की मृत्यु के पश्चात ही ऐसे जिन अस्तित्व में आते हैं। इनको बहुत ताकतवर माना गया है। घूल। घूल जिन इंसानों का मांस खाते हैं और कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। ये जिन इंसानों के लिए सबसे अधिक खतरनाक हैं। बेताल। बेताल जिन इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी जिन्न को दिखाया गया है। इन जिन्नों में भूत और भविष्य दोनों को देखने की ताकत होती है। तो मित्रों, आज की कड़ी में आपने जाना कि भूत प्रेत और जिन्न क्या है और इनमें क्या अंतर है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको भी इस विषय में कोई जानकारी है तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हम जल्दी लौटेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।